हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हो, या मैं कहूं 10-20 हज़ार ही है यार मेरी जेब में, 25 हज़ार है मेरी जेब में और मैं ये काम शुरू करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? आज मैं आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट का बिजनेस स्पेशली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, मेरी जेब में 20-25-30 हज़ार हैं, काफ़ी हैं। लेकिन दोस्तों, ये 20-25-30 हज़ार आपको बिजनेस पे लगाने हैं, यानी ये 25-30 हज़ार आपके प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ये पैसे सुफिशिएंट होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत 19-20 अदर चार्जेस हैं तो वो लग ही जाते हैं, तो थोड़ा सा 5-10 हज़ार बजट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में मैं इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकता हूं और कौन से प्रोडक्ट का मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं वो है वाइन ग्लासेस। आपको जान के ताज्जुब होगा, आप कहेंगे सर ये वाइन ग्लासेस ये हमारे यहाँ तो इतने चलते नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ नहीं चलते तो क्या किसी और देशों में नहीं चलते? अब वाइन ग्लासेस को आप खरीदिए और उसको एक्सपोर्ट करें। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि वाइन ग्लासेस अगर मुझे लेने हैं तो सस्ते कहाँ से मिलेंगे? दोस्तों, दिल्ली में होलसेल मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है सदर बाज़ार, तो वहाँ से आपको वाइन ग्लासेस सस्ते मिल सकते हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, तो वहाँ पे भी ग्लास का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, वहाँ पे आपको सस्ते मिल सकते हैं। यूपी में एक शहर है फिरोज़ाबाद, तो वहाँ पे सारा ग्लास का ही काम होता है, तो वहाँ से वाइन ग्लास आप बनवा के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या है, वाइन ग्लासेस की बाहर बहुत अच्छी खासी डिमांड है। वहाँ पे वाइन ग्लासेस आपके रेस्टोरेंट, बार और होटल्स में तो चलते ही हैं, घरों में भी लोग खाने के बाद वाइन पीते हैं, तो उनको वाइन ग्लासेस चाहिए। और इसका एडवांटेज क्या होता है, लोगों को अलग अलग क्वालिटी के ग्लासेस चाहिए। अब शीशे का ग्लास है तो टूटता भी बहुत आसानी से है, टूटेगा तो फिर डिमांड आएगी, टूटेगा तो फिर डिमांड आएगी, तो यानी डिमांड रेगुलर बनी रहेगी, मार्जिन्स बहुत अच्छे होंगे, क्वालिटी में फोकस करिए, ऑर्डर भी बहुत अच्छा मिलेगा और कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो है जूट बैग्स। दोस्तों, हिंदुस्तान के जूट बैग्स ने कहर बरसा रखा है, यानी इतनी अच्छी डिमांड आ रही है जूट बैग्स की कि अगर आप काम करेंगे तो मार्जिन तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, आपको जरूरी नहीं कि पूरा कंटेनर जूट बैग्स का ही भेजना हो, बहुत सस्ता 200, 300, 100, 500, 1000 क्वालिटी और साइज के हिसाब से जूट बैग्स आपको मिल जाएगा, अलग अलग कलर्स में जूट बैग्स आपको मिल जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल चले जाइए, आसाम चले जाइए, तो वहां से आपको जूट बैग्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की भी जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें टाइप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का भी नंबर वहां पे आपको सेंड कर देंगे। दोस्तों, अगला प्रोडक्ट है फूड प्रोडक्ट। अब फूड प्रोडक्ट है लेकिन मार्जिन बहुत अच्छा है और ये प्रोडक्ट आप घर में भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरर या सप्लायर चाहिए तो उनका भी हम आपको नंबर शेयर कर देंगे, नहीं तो हमने एक वीडियो डाल ही रखा है पीनट बटर का, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने नाम लिया पीनट बटर, तो दोस्तों पीनट बटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर पीनट बटर में आपको काम करना है, देखिए मार्जिन अच्छा है, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फसाई का सेंट्रल लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर मुझे फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो मुझे फसाई का सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। एक ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आजकल जिम वाले बहुत खा रहे हैं, बहुत शौक से खा रहे हैं, तो जिम आप खुद ही देख रहे हैं हर सिटी हर स्टेट में बन गए हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड जिम बन गए हैं, हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया और खासतौर से जो कोरोना की लहर आई है उससे लोगों को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो दोस्तों, एक एक प्रोडक्ट है आपका पीनट बटर, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं गेमिंग चेयर की, दोस्तों बहुत ताज्जुब हो रहा होगा आपको ये सुन के, अरे गेमिंग चेयर,
दोस्तों आप YouTube पे देख ही रहे हैं, आजकल गेमिंग के कंपटीशन चल रहे हैं, YouTube पे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके पीछे चेयर होगी, वो गेमिंग चेयर होती है और वो गेम खेलते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, अपना वॉइस ओवर पीछे देते रहते हैं, कंपटीशन होता रहता है। साथ के साथ गेमिंग चेयर का एक नया ट्रेंड आ गया है, आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज भी गेमिंग चेयर को परचेज करती है अपने एम्प्लॉय के लिए। सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और इजीली इंसान उस पर बैठ सकता है और लंबे टाइम तक बैठ सकता है, शायद उससे बैक का पेन भी नहीं होता। तो दोस्तों एक ये प्रोडक्ट है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ रही है और आज की जनरेशन में तो खास तौर से बढ़ रही है। तो इसमें आपको अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो कम से कम 100% मार्जिन तो मिलेगा। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना ट्रेड करना चाहते हैं, अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है और हमारा चैनल भी बहुत ज़रूरी है। लगातार वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आपको लगेगा अगर मैं अचार के बारे में बताऊँगा तो आप कहेगा सर अचार कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी ना है, लेकिन हाँ मैं अचार के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। अचार नया प्रोडक्ट क्यों है? देखिए हम नॉर्मल जो अचार खा रहे हैं उससे अलग अचार की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूएस यूरोप को टारगेट करेंगे तो यूएस यूरोप में खीरे का अचार बहुत बिक रहा है और यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है। आमतौर पर अगर मैं अपनी बात करूं या अगर आप लोग सोचे हम लोगों ने आज तक खीरे का अचार कितनी बार खाया है, यार देखो मैंने तो एक या दो बार खाया है। जब मैं बाहर जाता हूं तो वहां पे जितने भी सबवे वगैरह सैलड वगैरह लेता हूं तो उसमें खीरे का अचार मुझे मिल जाता है, लेकिन हाँ कभी घर पर स्पेशली नहीं बनाया। तो मैं सोचता हूँ यार तुम भी एक बार ट्राई कर लो, अगर ये अचार बना सको और एक्सपोर्ट कर सको तो बाहर वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड है। ऑयल फ्री अचार एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑयल फ्री अचार की अच्छी खासी डिमांड आ रही है। हमारे जो अचार होते हैं ज़्यादातर ऑयल उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन अब जो अचार बन रहे हैं वो ऑयल फ्री बन रहे हैं, हेल्थ को देखते हुए, कोलेस्ट्रॉल को देखते हुए। प्लस नॉनवेज में फिश और प्रॉन्स के अचार भी आ रहे हैं, चिकन के अचार भी मार्केट में अवेलेबल होने लग गए हैं। तो यानी एक अचार का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आप घर से शुरू कर सकते हो। और यार आप खुद सोचो, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अचार बनाते थे, ठीक है घर में ही बनाते थे, तो क्या ये मैं प्रोडक्ट घर में नहीं बना सकता? आपको लगता है क्या यार इस प्रोडक्ट के लिए लाखों करोड़ों रुपये की जरूरत पड़ेगी? कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ कुछ हजार लगा के ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ही बिजनेस की दोस्तों, जो सालों से सदियों से हमारे घरों में चलता आ रहा है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। दोस्तों वो है पापड़ का बिजनेस। आप पापड़ घर में भी बना सकते हैं, पापड़ की छोटी छोटी मशीनें भी आती हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। अगर मशीन नहीं लगाना चाहते, जगह कम है या आपको लगता है पैसे ज़्यादा हैं, तो पापड़ तो दोस्तों घर में भी बन सकते हैं। आप खुद सोचिए हमारे देश का लेजिट पापड़ वर्ल्ड में इसने धूम मचा रखी है, वर्ल्ड में इसने नाम कमा रखा है, तो क्या हम पापड़ का बिजनेस नहीं कर सकते? लेकिन एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमने पापड़ पर एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था अगर आपको पापड़ को एक्सपोर्ट करना है, पापड़ का बिजनेस करना है, तो पापड़ को बाहर के ज्यादातर देशों में पॉपरडम बोला जाता है। तो कल को क्या है कि अगर मैं कहीं बायर से बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई मैं पापड़ का काम करता हूं, और बायर को समझ ही ना है कि ये पापड़ है क्या, पॉपरडम बोलिए और साथ में पापड़ का एचएस कोड लगा के दीजिए, ताकि अगर आपको आप भी भूल जाए कि पॉपरडम बोला जाता है तो वो जो एचएस कोड साथ में होगा ना तो बायर को समझ आ जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है। साथ के साथ पापड़ के साथ एक एडवांटेज और है कि इसकी एक्सपायरी काफ़ी लेट होती है, यानी शेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है तो इसका मतलब इसके बिकने के चांस भी ज़्यादा हैं, ये खराब बहुत ही कम होगा क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये है पापड़ का बिजनेस, अलग अलग वैरायटी है पापड़ की और बहुत अच्छी खासी डिमांड है। इंडिया में तो है ही है, बाहर भी बहुत अच्छी खासी डिमांड है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें भी आप बिजनेस कर सकते हैं और कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ इंडिया की और है, वो है पॉटरी प्रोडक्ट्स, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के वास, मिट्टी के गमले। आज की डेट में बाहर की मार्केट में
सबसे बड़ी डिमांड जिस प्रोडक्ट की आ रही है वो है ब्लैक पॉटरी। अगर ब्लैक पॉटरी की बात करूं तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे काली मिट्टी के बर्तन हो गए, उस वो बिल्कुल काले रंग के होते हैं। तो जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, अगर आप लोकल मार्केट में भी गए होंगे, अगर मैं दिल्ली मुंबई की बात करूं, जिन सिटीज़ में मैं जाता हूं, जिन सिटीज़ में मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, तो वहां पे दो तरीके के बर्तन यूज़ हो रहे हैं, या तो कॉपर के या फिर आज की डेट में ब्लैक पॉटरी यानी काले मिट्टी के बर्तन। तो ये ब्लैक पॉटरी जो है, अब वो चाहे पॉलिश है या मिट्टी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ डिमांड बहुत अच्छी खासी आ रही है और इसमें मार्जिन्स आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब पॉटरी प्रोडक्ट्स है, बर्तन ही ले लो, बर्तन में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी आप खुद सोचिए। 5,000 में लगभग ढेर सारे बर्तन आ जाएंगे, है तो मिट्टी के, तो खुद सोचिए। और आज की डेट में हमारे लोग जो हैं, जो ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं, जिससे क्या होता है वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन फेस करना बहुत आसान हो जाता है। प्लस इसको घर से बैठे बैठे ई कॉमर्स के थ्रू भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा इसमें लाइसेंसिंग प्रोसेस भी नहीं है। तो दोस्तों मेरा एक सुझाव है, अगर आप इसमें काम करना चाहें तो इसमें भी काम कर सकते हैं, मात्र 20-25 हज़ार में ये भी बिजनेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी मार्केट की जिस तरफ किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। अब वो मार्केट कौन सी है? देखो यार एक बात बताओ, कन्फेक्शनरी की मार्केट है, कैंडीज़ की मार्केट है, टॉफ़ी की मार्केट है, बेकरी की मार्केट है, मफिन्स की मार्केट है। तो ये जो मार्केट है इस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। अगर आप इस मार्केट में जाके यहाँ का प्रोडक्ट लेके एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप खुद सोचिए, टॉफ़ी की मार्केट हो, कैंडी की मार्केट हो, तो बच्चे तो पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, उनको तो टॉफ़ी और कैंडीज चाहिए, और आज की डेट में तो फेस्टिवल्स इतने हो गए हैं तो उसमें भी टॉफ़ीज, कैंडीज, चॉकलेट्स रखी जाती हैं। साथ के साथ इसका एडवांटेज ये है, इसकी भी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको लाखों करोड़ों लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हज़ारों में ही आप काम शुरू कर सकते हैं। होलसेल मार्केट है, वहाँ से उठाइए और एक्सपोर्ट करिए और पैसे बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेपर कप्स और पेपर प्लेट्स का। दोस्तों छोटे छोटे पेपर कप्स हैं, ठीक है, आप देखते हैं हर कैफेटेरिया में यूज़ होते हैं, हर टी स्टॉल कैंटीन में यूज़ होते हैं, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। तो अगर किसी को चाय, कॉफ़ी या कोई भी ड्रिंक लेना है तो पेपर कप्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा कोई भी कैफेटेरिया बता दीजिए जहाँ पे पेपर कप यूज़ नहीं होता। बड़े से बड़े कैफेटेरिया में, अगर मैं स्टारबक्स की बात करूँ, अगर मैं कैफ़े कॉफ़ी डे की बात करूँ, तो हर जगह तो ये पेपर कप्स यूज़ होते हैं। तो क्या इसमें डिमांड नहीं है? अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, तो वो भी तो कप ही होता है ना। तो ऐसे पेपर कप्स और प्लेट्स की वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी खासी डिमांड है। आप खुद सोचिए कितने का आता होगा ये। अगर मैं छोटे पेपर कप की बात करूं तो 30 पैसे 40 पैसे, हाँ होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग का रेट है ये, आप कहें रिटेल में मिल जाए तो नहीं, लेकिन मार्जिन कितना है। अगर आप मार्केट में नॉर्मली लेने भी जाते हैं, छोटे से छोटा कप भी आपको 2 रुपये से कम का नहीं मिलता, बड़ा कप 5 रुपये का, फिर 10 रुपये का, 15 से 20 रुपये तक के भी एक कप जाते हैं, डिपेंड करता है क्वालिटी टू क्वालिटी। ये वो प्रोडक्ट है जिसमें मिनिमम मार्जिन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी इसमें बहुत कम रहेगी। वर्ल्ड वाइड मार्केट है, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल भी है। तो दोस्तों एक ये मार्केट भी है। इसके बाद एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं, अब ये है बेडशीट और पिलो कवर्स। दोस्तों बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, कहीं मत जाइए, पानीपत है, पानीपत में पूरा हैंडलूम्स का गढ़ है। तो बेडशीट और पिलो कवर चाहिए तो वहाँ सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, पूरी होलसेल मार्केट है, तो वहाँ जाइए, सस्ते से सस्ता आपको मिलेगा, किलो में वो माल दे देंगे, अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी इसलिए भी मिलेगी, एक तो उनको नॉलेज बहुत अच्छी है कि उनको पता है कौन से देश में कौन से टाइप की बेडशीट जाती है, कौन से पिलो कवर्स जाते हैं। अब आप खुद सोचिए क्या इसमें भी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है? हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो लगानी नहीं, हमें बस ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से सस्ता मिलेगा, कौन से देश में बेचना है, पूरा प्रोसेस क्या है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है, और मेरा मार्जिन कितना रहेगा। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों
एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको जब भी किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिस प्रोडक्ट पे कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट की मुझे नॉलेज हो। पहले तो आपको नॉलेज गेन करनी है, उसकी मार्केट का पता हो, ये हुई दूसरी बात। तीसरा, पूरा प्रोसेस पता हो। और चौथा, अगर मैं फूड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर मुझे बाहर एक्सपोर्ट करना है, टाइम लेगा, फिर वो आगे मार्केट में जाएगा और उसके बाद बिकेगा। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि एकदम काउंटर पे पहुंचा, एकदम किसी शॉप पे पहुंचा और एकदम धड़ल्ले से बिक गया, ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कि आपको ये पूरा प्रोसेस जानना समझना है। मेन चीज, प्रॉफिट बचना चाहिए यार। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, यार किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? तो भैया, पैसा है तो ठीक है, अगर जिस ट्रेड में पैसा नहीं है तो भाई वो काम मत करो, ज़्यादा अच्छा है। समाज सेवा थोड़ी ना करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लो, नए अपडेट्स मिलेंगे। अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो और हमेशा की तरह ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.